टॉपिक 4 जिसका नाम है द रीबिल्डिंग ऑफ अ वर्ल्ड इकोनॉमी पोस्ट वॉर एरा। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब जितने भी वर्ल्ड वॉर्स थे वो खत्म हो गए, उसके बाद हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे रिवाइव हुई। तो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद आया ग्रेट डिप्रेशन, तब भी जो हमारी पावर्स थी वो बड़ी बड़ी कंट्रीज वो सुधरी नहीं। उन्होंने फिर से वर्ल्ड वॉर करा जिसका नाम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये दो पावर्स के बीच में लड़ा गया था, मेनली एक्सिस पावर एंड अलाय पावर्स। तो एक्सिस पावर में कौन था? जर्मनी, इटली, जापान एंड जो अलाइज पावर थी उनमें सेम मेंबर्स ही थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर इज देन रशिया, जो आज के टाइम का रशिया है वो यूएसएसआर था। पहले और भी स्टेट्स उसमें मिक्स थी, बट फिर डिसइंटीग्रेशन होता गया एंड एंड में सिर्फ रशिया बचा था। तो आपको यूएसएसआर ही मेंशन करना है, आप रशिया नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 6 ईयर्स तक चला एंड कैजुअलिटी यानी कि डेथ बहुत ज़्यादा हुई थी, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था। 60 मिलियन पीपल डाइड, 60 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट पीपल डाइड हुआ एंड ऑलमोस्ट 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइप्ड। पूरे वर्ल्ड में से 3% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी 1939 में, ठीक है। किस टाइप की वहाँ पे किलिंग्स होती थी? ऐसा नहीं था कि बैटल फील्ड पे लड़ाई चल रही थी वर्ल्ड वॉर टू में। वर्ल्ड वॉर टू में क्या होता था? एरियल बॉम्बार्टमेंट होती थी। आपको नाजी जर्मनी, हिटलर पता है, हिटलर क्या करता था? बम गिराता था और पूरे पूरे शहर ही तबाह कर देता था। तो बहुत सारी सिटीज डिस्ट्रॉय हुई यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इकोनॉमिक डिसवास्टेशन आ गया, इकोनॉमी खत्म हो गई एंड सोशल डिस्ट्रप्शन, सोसाइटी बिल्कुल खराब हो गई थी हमारी। ओके, तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड में क्या हुआ? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑब्वियसली खत्म तो होना ही था, कब खत्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर? जब यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी अलाइज नेक्सस पावर के ऊपर, यानी कि यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी जापान के ऊपर क्या गिराया था? एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाता है एंड वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद दो चीज़ें होती हैं। एक क्या होती है? हमारा जो यूएसए है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक सुपर पावर की तरह इमर्ज होता है, यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है हमारा, वर्ल्ड का एक वेस्ट हिस्सा है, हमारा एक ईस्ट हिस्सा है। तो वेस्ट में कौन इमर्ज होता है? यूएसए। एंड ईस्ट साइड में सुपर पावर एक और हमारी इमर्ज होती है जिसका नाम है सोवियत यूनियन, जो कि यूएसएसआर ही है, ठीक है। तो यूएसएसआर एंड यूएसए दो हमारी सुपर पावर्स बन जाती हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बाद दो हमारे डेवलपमेंट हुए, एक यूएसए सुपर पावर बना और दूसरा सोवियत यूनियन, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक 4.1 पे, जिसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमी कैसे सेटल हुई एंड ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है। तो देखो, जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने ये जाना कि अगर मास प्रोडक्शन करना है, जैसे कि यूएसए में तब होता था, हेनरी फोर्ड ने करा था, तो मास प्रोडक्शन के लिए मास कंजम्पशन होना भी बहुत जरूरी है। एंड मास कंजम्पशन, लोग खरीदारी कब करेंगे? जब उनके पास इनकम होगी। और इनकम लोगों के पास कब होगी? जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। तो एक चीज उन्होंने ये समझी एंड दूसरी चीज उन्होंने क्या समझी कि मार्केट अलोन कैन नॉट अश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने क्या कहा कि जो मार्केट है, जो अपनी मार्केट होती है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर नहीं कर सकती। कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी हमेशा नहीं रह सकती है। फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा तभी होगी जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। जब गवर्नमेंट अगर कोई फ्लक्चुएशन हाई प्राइस के अंदर, आउटपुट के अंदर, तो गवर्नमेंट हेल्प करेगी, तभी ही फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी इंश्योर हो सकती है। तीसरी चीज उन्होंने क्या कही कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो तभी हो सकती है जब गवर्नमेंट का फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे कंट्रोल हो, यानी कि जब गवर्नमेंट का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल होगा तभी फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। अगर कोई कंट्री बहुत सस्ते इंपोर्ट मंगाने लग गई है, सस्ते सस्ते गुड्स मंगाने लग गई है अपनी कंट्री में, तो जो उनकी कंट्री में लोग, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनका सामान कोई खरीदेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट का अंदर हाथ में उसका कंट्रोल होना चाहिए कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को संभाल सके, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा एंड उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये कब हेल्ड हुई थी? जुलाई 1944 में एट ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। एक इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था ब्रेटन वुड। कहाँ पे था? यूएसए में था। यूएसए के कौन से शहर में था? न्यू हैम्पशायर में। ये था इंपॉर्टेंट वन मार्क क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। तो ब्रेटन वुड के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई उसको कहा गया ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से क्या बना? हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक नाम की एसोसिएशन हमारी बनी, जो किस चीज़ से डील करती थी? दो चीज़ों से डील करती थी, सरप्लस एंड डेफिसिट्स ऑफ इट्स मेंबर नेशंस। सरप्लस मतलब अगर किसी का फायदा हो, डेफिसिट मतलब कभी नुकसान की जैसी स्टेज आ जाए, तो उससे डील करता था हमारा आईएमएफ। एंड आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कुछ डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज मेंबर बन गई थी।
ठीक है, सेकेंड चीज हमारा क्या हुआ था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बना, जिसको हम बहुत प्यार से वर्ल्ड बैंक कहते हैं, वो बना। एंड वो कब बना था हमारा, बन तो गया था हमारा वो जब 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, बट वो एक्चुअली में उन्होंने वर्क करना शुरू करा 1947 में। तो दो चीजें हमने पढ़ ली, IMF, वर्ल्ड बैंक। तीसरा क्या हुआ, एक टाइप का इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम बन गया, जिसमें डॉलर को एक मेन ऐसा करेंसी बना दिया गया, मेन करेंसी। एंड जो डॉलर था उसकी वैल्यू हमेशा गोल्ड से नापी जाती थी, जैसे कि $35 इज इक्वल्स टू 1 ounce ऑफ गोल्ड। 1 ounce ऑफ गोल्ड की वैल्यू क्या है, $35। एंड हर जो डॉलर है, हर एक कंट्री जो है अपना एक्सचेंज रेट किससे नापती थी, डॉलर से नापती थी। जैसे आज के टाइम पे $1 इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 75 या कुछ इंडियन रुपी होगा। तो इसी तरीके से ये सिस्टम कब शुरू हो गया था, पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड में ये जो मॉनिटरी एक्सचेंज सिस्टम है हमारा स्टार्ट हो गया था। अब हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स। अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, जैसे कि पोस्ट वॉर वॉर खत्म होते ही, पोस्ट मतलब क्या, खत्म होने के बाद क्या हुआ। तो वॉर खत्म होने के बाद काफी अच्छा माहौल हो गया था, ब्रेटन वुड, IMF अच्छे से काम कर रहे थे, यूरोप बहुत अच्छे से बढ़ रहा था, जापान बहुत अच्छे से बढ़ रहा था, वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा 8% ड्यूरिंग 1950 to 1970, और फिर 5% इनकम भी बढ़ गई लोगों की, ठीक है, स्टेबिलिटी आ गई और टेक्नोलॉजी का स्प्रेड हो गया। ये जो आपका बुक है पूरी, या मतलब आप समझ लो ये जो आपका चैप्टर है, इसका सबसे छोटा टॉपिक था ये, द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक 4.3 पे, जिसका नाम है डी कॉलोनियलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। डी कॉलोनियलाइजेशन मतलब आजादी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, कॉलोनी छोड़ के चले गए ब्रिटिशर्स। ऐसे ही जो यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने काफी सारी कंट्रीज में से अपनी कॉलोनी छोड़ दी थी। एंड बाय द टाइम ऑफ आप समझ लो 1950s के बाद में बहुत सारी जो कंट्रीज थी वो फ्री हो गई थी। अफ्रीका और एशिया की बहुत सारी कंट्री फ्री होते ही जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स हो गई थी। क्यों? क्योंकि पहले तो जो यूरोपियन पावर थी वो कंट्री को बहुत अच्छे से संभाल रही थी, बट वो अंदर से कंट्री को, जिस भी कंट्री को उन्होंने छोड़ा उसे खोखला करके गई थी। या जैसे कि इंडिया, इंडिया जैसे ही ब्रिटिशर्स गए बहुत बुरी हालत में था इंडिया, इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल नहीं थी। तो जो इकोनॉमी थी, जैसे ही ब्रिटिशर्स या फिर यूरोपियंस अलग अलग कॉलोनीज को छोड़ के गए, तो इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, और यूरोप और जापान बहुत डेवलप होने लग गए थे। तो यूरोप और जापान जब डेवलप हो गए, तो उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक से अपना नाता तोड़ने से लग गए, उन्होंने कहा अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने फिर अपना ध्यान किसकी तरफ करा, उन कंट्रीज के ऊपर जो अभी अभी आजाद हुई थी एंड जिनकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, जो IMF एंड वर्ल्ड बैंक जब उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू करा, जो अभी अभी न्यू फ्रीली इंडिपेंडेंट नेशन थे उनके साथ, तो उस टाइम पे क्या होता था, जैसे इंडिया फ्री तो हो गया ब्रिटिशर्स से, बट इंडिया की काफ़ी सारी रिसोर्सेज, जैसे कि कोल मान लो, गोल्ड मान लो, उस पर अभी भी उनका हक था। किनका? ब्रिटिशर्स का। ऐसी ही काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी पावर्स थी, USA जो था वो छोटी छोटी जो कंट्रीज थी उनकी जो रिसोर्सेज था वो जाके उनसे लेता था, ब्राइब करके, कभी थ्रेट करके, या फिर मिसयूज करता था उनकी अपनी पावर का। एंड जितनी भी जो कंट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी वो अभी भी उनको अपने नीचे दबा रही थी, ठीक है। तो 1950s से 1960s में जो ग्रोइंग हो रहा था, यानी कि जो डेवलपमेंट आ रहा था, वो सिर्फ वेस्ट में हो रहा था, वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा था, एंड जो ईस्टर्न वर्ल्ड था उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो जो कंट्रीज अभी अभी आज़ाद हुई थी, उन्होंने अपना एक बनाया ग्रुप 77, एक ग्रुप 77 बना, जिसको हम कहते हैं G77। उन्होंने क्या डिमांड करा कि हमें ये ब्रेटन वुड सिस्टम नहीं चाहिए, ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन हम कहते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक को, उन्होंने कहा हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक न्यू सिस्टम चाहिए जिसका नाम है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। एंड NIEO ने क्या डिमांड करा, इन्होंने डिमांड करा राइट ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। जिस नेचुरल रिसोर्सेज अगर हमारी कंट्री में, तो ऑब्वियसली हमारी है वो, तुम आगे इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, एक डिमांड उन्होंने ये करी। दूसरा उन्होंने क्या करा, डेवलपमेंट असिस्टेंस। उन्होंने कहा देखो अब तुम डेवलप हो गए हो, अमेरिका वालों आके थोड़ी सी हमारी मदद कर दो डेवलप होने में। तो उन्होंने डेवलपिंग असिस्टेंस मांगा, और ये नहीं है कि वो उनसे कोई गलत काम कह रहे थे, वो उनसे बस ये कह रहे थे कि अगर आप हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे हो, थोड़े सस्ते रेटों पे प्रोवाइड करो, तो दिस काइंड ऑफ डेवलपिंग असिस्टेंस दे वांटेड। कौन सी कंट्रीज? इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ये कंट्री जो अभी अभी डिकोलोनलाइज हुई थी, और लैटिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज, उनकी ये डिमांड्स थी। थर्ड क्या था, फेयर प्राइस, कि अगर उनको फेयर प्राइस पे मिले सबको, जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी अगर वो ले रहे हैं,
इंडस्ट्री उन्हें सेटअप करनी है, मशीन तो वो अमेरिका से मंगाएगी, तो अमेरिका उन्हें अच्छे रेटों में दे, फेयर प्राइस पे दे। लास्ट क्या था, एक्सेस टू मार्केट्स, यानी कि फॉरेन मार्केट में। आप इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, गुड्स बनने शुरू हो गए, बट वो बेचे कहाँ पे, तो उनको मार्केट चाहिए था इन द फॉरेन वर्ल्ड। तो ये चीज़ें किसने डिमांड करी, हमारी ग्रुप 77 ने, जिसका एक मेन एम क्या था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो विद दिस वी कंप्लीटेड दिस टॉपिक। अब हमें अपना लास्ट टॉपिक पढ़ना है, एंड ऑफ ब्रेटन वुड एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रेटन वुड सिस्टम खत्म हुआ एंड ग्लोबल वर्ल्ड की स्टार्टिंग हो गई। लास्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो मैंने आपको भी पढ़ाया था कि जो मॉनेटरी एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारा शुरू हुआ था, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन ने स्टार्ट किया था, उसमें डॉलर की एक वैल्यू थी एंड हर एक कंट्री की जो करेंसी थी वो डॉलर से नापी जाती थी, एंड $1 = $35 इज इक्वल्स टू 1 ounce ऑफ गोल्ड। तो डॉलर भी ऐसा नहीं कि डॉलर खुद में बड़ा महान था, उसको गोल्ड से नापा जाता था, ठीक है। तो अब एक टाइम ऐसा आया कि जो यूएसए के अंदर भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आने लगी एंड डॉलर की वैल्यू कम हो गई। अब डॉलर एक ऐसा करेंसी हम नहीं कह सकते थे जो दूसरों के ऊपर कमांड कर सके। तो 1960 में डॉलर की वैल्यू डिक्रीज हुई एंड मैंने लिखा है यहाँ पे दैट इट के नॉट मेंटेन इट्स रिलेशन विद द गोल्ड। अब वो गोल्ड के साथ अपना रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकता था डॉलर, क्यों? क्योंकि डॉलर की जो वैल्यू थी वो कम हो रही थी। इसलिए क्या चेंज आया, पहले हमारे यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता था पूरे वर्ल्ड के अंदर, फिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से क्या हो गया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये एक बिल्कुल इकोनॉमिक्स में आप जब 12th में आओगे तब पढ़ोगे, तो आपको इसका डीप मत जाना। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारा हो गया, कब, जब ब्रेटन वुड सिस्टम खत्म होना था। मिड 1970s में क्या हुआ, फाइनेंशियल सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था हमारी डेवलपिंग कंट्रीज का, जैसे कि जो अभी अभी फ्री हुई थी, इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज थी, वो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं थे एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत बढ़ गया था हमारा 1970 से 1990 तक, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चाइना ने आइसोलेट कर लिया था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था चाइना ने खुद को वर्ल्ड ट्रेड से दूर कर लिया था, बट आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन 1949 के बाद से चाइना जो है वो फिर से अपने गेट्स खोल लेता है एंड अलाउ कर देता है बाकी कंट्रीज को कि आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। एंड सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जो है हमारा, सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो जाता है, तो वहाँ पे एक नए टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट निकलती है जिसका हम कहते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या होता है, जैसे कि कम्युनिज्म में सब कुछ गवर्नमेंट होल्ड करके रखती है, सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर में आता है, गवर्नमेंट ही फैक्ट्री लगाएगी, गवर्नमेंट ही स्कूल बनाएगी, गवर्नमेंट ही वेजेस तय करेगी। तो जब सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर होते हैं उसको कहते हैं कम्युनिज्म। तो एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी जिसका नाम था कम्युनिज्म इन द सोवियत यूनियन। और जो चाइना था वहाँ पे चाइनीज रिवोल्यूशन के बाद चाइना ने अपने गेट्स ओपन कर दिए, वहाँ पे भी कम्युनिज्म आ जाता है। उसके बाद जो चाइना था वहाँ पे लोगों को वेज बहुत कम मिलती थी, जो गवर्नमेंट थी वर्कर्स को वेज बहुत कम देती थी एंड सब कुछ कम्युनिज्म सिस्टम में लोग अपनी आवाज़ खड़ी नहीं कर सकते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें लो वेज पे भी काम करना पड़ता था। तो जब हमारी बड़ी बड़ी सुपर पावर अमेरिका वालों को दिखा और बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज थी जैसे जापान हो गई, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज, उनको जब दिखा कि चाइना में तो बहुत सस्ते में काम हो सकता है, वर्कर्स बहुत कम वेज लेते हैं, तो उन्होंने चाइना वर्क के अंदर अपनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जिसको हम MNC कहते हैं वो इंस्टॉल करनी शुरू कर दी। आपको पता है इंडिया में भी बहुत MNCs हैं, तो सबसे पहले चाइना के अंदर MNCs का इंस्टॉल होना शुरू हुआ। तभी आपने देखा होगा ज़्यादातर स्पोंज जो हैं वो चाइनीज मेड होते हैं, टॉयज चाइना के मेड होते हैं, क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर MNCs ने जाके लगाना शुरू करा, क्यों? वहाँ पे वेज जिस बहुत कम थी, बहुत सस्ते में लेबर मिलता था, तो फैक्ट्रीज इंस्टॉल हुई है, चाइना में मास प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। रीएलोकेशन होती है इंडस्ट्रीज की, कहाँ पे, जो डेवलपिंग कंट्रीज है। पहले डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ कोई देखता भी नहीं था, बट जब डेवलप कंट्रीज को दिखा है, अरे यहाँ तो सस्ती लेबर मिल रही है, तो वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्रीज थी वो सेटअप करनी शुरू कर दी एंड इस चीज से बहुत फायदा हुआ। और जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा में जो इकोनॉमी थी वो रिवाइव होने लगी, इकोनॉमी स्टेबल होने लगी एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया चाइना ब्राज़ील एक ऐसी कंट्रीज बनने लगी जो बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई थी एंड ग्लोबल स्टेज पे उभर कर आ रही थी एंड जिनको हम पॉपुलरली कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। चाइना भी एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, ब्राज़ील भी एक डेवलपिंग कंट्री है। तो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें काफ़ी इकोनॉमिक टर्म्स थे आपके लास्ट का जो ये पार्ट है, बट मैंने इकोनॉमिक टर्म्स नहीं समझाए हैं, जैसे कि फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ऑब्वियसली मुझे पता है बट मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। 12th में आओगे तब आराम से पढ़ लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी।
एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्रीवियस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो, एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स. सारी क्लास में साथ शेयर करना. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी. बाय बाय.